ही गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड अभी रिसेंट नंबर आए हैं इन्फ्लेशन के, अब आपको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है? अभी भी नहीं समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट क्यों आपको कहा जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सेव करते हो बहुत बढ़िया, बट सेव के साथ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट आपका बैंक के अंदर या FD के अंदर नहीं होना चाहिए। FD के अंदर या बैंक के अंदर आपका इमरजेंसी फंड ही सिर्फ होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे किसी एसेट में होना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न दे। 7.01% का इन्फ्लेशन का नंबर है इंडिया के अंदर में। US की बात करें तो रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है US, 9% से प्लस चला गया। तो US का तो छोड़ दो 9% है, लेकिन इंडिया का तो 7% है। और कोई भी एसेट क्लास जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपको 7% से कम रिटर्न दे रही है, तो मतलब आपका पैसा रियल टर्म में, असलियत में आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। कागज़ का नोट तो अगर 10 रुपये का है तो 10 ही रुपये का है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, उस 10 रुपये के जो नोट की खरीदने की क्षमता है, वो 7% से घट रही है। लेकिन अगर आप उसको बैंक में इन्वेस्ट करते हो, बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो 2.5% के आसपास ही रिटर्न मिल पाता है। मेरे बैंक में उतना ही देता है। एंड अगर FD में तो 7% तो मुझे नहीं लगता 7% से ज़्यादा कोई भी हो सकता है। किसी किसी कोई नया बैंक आया हो या किसी बैंक का, प्राइवेट बैंक का हो, सीनियर सिटीजन वाला स्कीम, वो दे देता होगा 7%। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली बैंक 7% भी FD पे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन दोनों से तो दूर ही रहना चाहिए। आपको ऐसे एसेट को ढूंढने चाहिए जो इन्फ्लेशन को कम से कम बीट कर सके या फिर उसके बराबर भी रहे, ताकि रियल टर्म में आपके पैसे की वैल्यू बढ़े ना, तो कम से कम लॉस भी ना हो। जैसे कि अगर सबसे भी जो पुराने टाइम से हमारा चलता आ रहा है गोल्ड की बात करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म 20-30-50 साल में देखते हैं, तो गोल्ड 9% के आसपास का एनुअल रिटर्न दे देता है। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न ये नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर रहा है। इन्फ्लेशन से 1-2% ज़्यादा रिटर्न तो निकाल के दे रहा है। अगर इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं, जो मेन इंडेक्स फंड है मार्केट की, वो 12-12.5-13% का रिटर्न निकाल के दे देती है, तो वो इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे पॉइंट से बीट कर पाती है लॉन्ग टर्म में। अगर बात करते हैं एक्टिवली मैनेज दूसरे फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, या फिर अगर इक्विटी में स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इस तरीके से अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप एनुअलाइज 15% तक का भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि समवट जो इन्फ्लेशन का नंबर है उससे दुगना रिटर्न आप निकाल लेंगे। तो रियल टर्म में बात करें, अगर आप 15% का रिटर्न एनुअलाइज जनरेट कर रहे हो, तो रियल टर्म में आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो बस 8% ही बढ़ रही है, क्योंकि 7% तो उसको इन्फ्लेशन, महंगाई ही खा जा रही है। तो सोचो, इतना मेहनत के करने के बाद तो थोड़ी बहुत आपकी परचेजिंग पावर, आपके पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, बट अगर आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपकी और पैसों की, दोनों की परचेजिंग पावर खत्म होती जाएगी, छिनते जाएगी, और धीरे 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 करके आप कितना भी पैसा कमाते रहोगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाएं, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो अभी से भी सीखो, समझो और देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कि 7% नंबर बढ़ चुका है इंडिया के अंदर में, 9% US के अंदर में, किसी किसी कंट्री में 30%, 40%, 50% तक भी इन्फ्लेशन हो चुका है। तो अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अपने पैसों को काम पे लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जितना टाइम पीरियड है, जो भी सरप्लस मनी होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ताकि पैसा, कम से कम जो पैसा आपके पास है, वो अपनी वैल्यू न खो, वो आपकी अलमारी में या आपके बैग में या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में परे परे कह सकते हैं सरे ना, वो पैसा कम ना हो, घटे ना, कम से कम ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन इन्फ्लेशन के बराबर बराबर तो चले, परचेजिंग पावर पैसे की बढ़े ना, लेकिन परचेजिंग पावर घटे भी तो ना पैसे की, क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और आपके पैसे की घटेगी परचेजिंग पावर तो आपके भी परचेजिंग पावर घटेगी। तो इसलिए
बहुत कोई शौक नहीं, आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट करना शौक नहीं रह गया है, आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट नेसेसरी हो गया है, ये ज़रूरत बन गई है। एक शौक होता है, एक ज़रूरत होती है। तो शौक नहीं रह गया, इन्वेस्टमेंट ज़रूरत हो चुकी है। एंड इसकी ज़रूरत सारे ही लोगों को है, चाहे कोई बहुत लाखों रुपए कमा रहा है महीने के उसको भी, करोड़ों रुपए कमा रहा है महीने के उसको भी, और कोई 10,000 या 5,000 रुपए महीने के कमा रहा है उसको भी छोटी छोटी बचत करनी चाहिए अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के भविष्य के लिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि क्या करना है। कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना।